गांधी जयंती के मौके पर राजघाट में बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और कई गणमान्य नेताओं ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली के बाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र के केशव राय पाटन की पदयात्रा की। गांधी जयंती के मौके पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने पहले राजघाट और फिर संसद भवन में गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी पहुंचे और यहाँ की विधानसभा सीट केशवराव पाटन में पदयात्रा में शामिल हुए। इस पदयात्रा में गांधी संकल्प पदयात्रा में स्थानीय लोगों ने और स्थानीय नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केशव राय पाटन पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने लाडले सांसद को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए। मंदिर पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले भगवान केशव राय के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में ही जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांधी जी ने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की आजादी में अहम योगदान दिया और आज उन्हें विश्व में शांति दूत के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करें, उनके विचारों को हमारे जीवन में अपनाएं और जिस सादगी से जीवन जीकर एक पूज्य बाबू के रूप में इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 2 अक्टूबर को शांति दूत के रूप में पूरी दुनिया में महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है। आज पूरी दुनिया मानती है कि अगर अशांति को रोकना है तो सत्य और अहिंसा और शांति के आधार पर ही हम विश्व को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी की परिकल्पना थी कि गरीब और असहाय व्यक्ति की बात शासन तक पहुंचे और शासन उनकी बात सुने। महात्मा गांधी जी का हर विचार, हर दर्शन समाज के लिए था। उनका विचार था कि देश के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति, अभाव में जूझने वाले व्यक्ति की बात शासन तक पहुंचे और शासन करने वाला व्यक्ति उनकी बात को सुने, उनके अभाव को सुने और लोकतंत्र के माध्यम से लोक सेवा के संकल्प के आधार पर उन्होंने देश को चलाया था। लोकसभा अध्यक्ष ने लोगों से स्वच्छता को जीवन में अपनाने और पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का परित्याग करने का भी आह्वान किया। भारत के अंदर पर्यावरण शुद्ध हो, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हो, ताकि दुनिया के अंदर जब जलवायु पर बहस चल रही है तो भारत उसका नेतृत्व करे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी युगांडा यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि युगांडा में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ है। मैं भी जब साउथ अफ्रीका गया था तो वहां युगांडा देश के अंदर भी महात्मा गांधी जी की अस्थि का विसर्जन हुआ था। अफ्रीका के अंदर अधिकतम देश गुलाम थे और अफ्रीका से उन्होंने ये आजादी का आंदोलन शुरू किया और अपनी मातृभूमि में आकर उन्होंने इस देश के
जन समर्थन और जन आंदोलन के माध्यम से किस तरीके से देश और दुनिया के अंदर जन आंदोलन के माध्यम से एक सत्य के संकल्प को पूरा किया जा सकता है, महात्मा गांधी जी का आदर्श जीवन है। लोकसभा स्पीकर ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के दिए जय जवान जय किसान के नारे को भी याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए सादगी रूप से अपना जीवन जिया और जय जवान जय किसान का नारा देकर इस देश के किसानों को आत्मनिर्भर होने का संकल्प दिया। और आज उनका ही विचार है कि जय जवान जय किसान, देश की सीमा पर हमारा जवान सुरक्षा कर रहा है, खेत कल्याण पर किसान अन्न उगाकर देश की सेवा करने का काम कर रहा है। केशव राय मंदिर परिसर में जनसभा के बाद पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस पदयात्रा में स्थानीय लोगों, व्यापारियों, महिलाओं और बच्चों ने तिरंगा लहराते और देशभक्ति के गीत गाते हुए बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पदयात्रा में शामिल लोगों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया। स्थानीय लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की मुहिम का भी समर्थन किया। पदयात्रा केशव राय पाटन के मुख्य मार्गों से होते हुए शुगर मिल चौराहा पहुंची। पंचायत समिति के सामने स्थित शिव मंदिर परिसर में पदयात्रा का समापन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार केशव राय पाटन पहुंचे ओम बिरला के स्वागत में स्थानीय लोगों ने कई पूर्ण द्वार बनाए थे। स्थानीय जनता ने कई जगह फूल मालाएं पहनाकर लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन किया। शुगर मिल चौराहे पर स्थानीय नेताओं ने लोकसभा स्पीकर का भव्य स्वागत किया। पूरी पदयात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बड़ी आत्मीयता से लोगों से मिले। 5 किलोमीटर की इस पदयात्रा में स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों का उत्साह देखने लायक था।